तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इसमें देखते हैं कहता है कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो एम ए जेड रिप्रेजेंट मास ऑफ न्यूक्लियस ठीक है ना मतलब एक्स और जेड ए है तो मास ऑफ जो न्यूक्लियस है ये अपना इधर मैं डिनोट कर देता हूँ बच्चों ये जो है वो न्यूक्लियस है ठीक है ना और जब कभी भी न्यूक्लियस बनता है तो इसका मास जो है प्लस एम ए जेड से इसको डिनोट किया है प्लस कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जा तो डेल्टा एम जो है वो मास डिफेक्ट है दिस इज द मास डिफेक्ट ठीक ना क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो मास अब न्यूक्लियस जो है वो ये है तो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया उसका मास मैं डेल्टा एम मान लेता हूँ और ये जब न्यूक्लियस बना है तो ये छोटे छोटे जो न्यूक्लियॉन्स हैं ठीक ना प्रोटॉन्स प्लस ये जो है प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स का मास पी है और न्यूट्रॉन्स का मास यहाँ पे एम है तो इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से अगर न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई उसको मैं डेल्टा एम ले लेता हूँ तो इस साइड इस रिएक्शन का देखोगे तो इस साइड जो टोटल मास है टोटल मास यहाँ पे देखोगे ये टोटल मास इसका और इसका टोटल मास ठीक है ये टोटल मास ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए इक्वल होने चाहिए तो एक प्रोटॉन का मास कितना है एम पी तो यहाँ से मैं देखूंगा कि मास ऑफ यहाँ से मास ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियंस तो मास ऑफ न्यूक्लियंस यहाँ से कितना हो जाएगा तो मास ऑफ न्यूक्लियंस जो है मास ऑफ प्रोटॉन एक प्रोटॉन का मास पी है कितने प्रोटॉन है यहाँ पर जेड प्रोटॉन है तो यहाँ से जेड प्लस एक मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन है कितने न्यूट्रॉन होंगे यहाँ से ए माइनस जेड ठीक है दैट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस एम ए जेड प्लस डेल्टा एम मास डिफेक्ट ठीक है ना ये बात समझ में आया दोनों साइड के मास को मैंने इक्वेट कर दिया यार ठीक है अब डेल्टा एम जो है हमें मास ऑफ न्यूक्लियस पूछ रहा है तो मास ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए मुझे डेल्टा एम की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के में निकालना पड़ेगा तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा प्यारे बच्चों तो एक काम करते हैं मैं बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे निकाल लेता हूँ चलो तो यहाँ से जो बाइंडिंग एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आप पढ़े होंगे गए यहाँ पे बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी जो है वेट यहां से बाइंडिंग एनर्जी जो होती है बाइंडिंग मास डिफेक्ट डेल्टा एम और सी स्क्वायर जबकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी अपन सी का होल स्क्वायर तो ये मास डिफेक्ट यहां रखोगे तो एम यहाँ से एम ए जेड मास ऑफ न्यूक्लियस ये दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से और ए माइनस जेड माइनस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी का होल स्क्वायर ठीक है तो ये वाली जो चीज़ है ये यह यहाँ से अपना क्लियर हो जाएगा तो इस लॉजिक से अपना जो है मास ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन अपना सी ऑप्शन सही बैठ जाता है ठीक है थैंक यू